सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय माँ काली। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, कैसे हैं आप? खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए हमेशा। ये सेवक इतना ही चाहता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता हूँ, उपाय लेके आता हूँ, रेमेडी लेके आता हूँ, आप घर बैठे ही देख के उनको कर लें और अपने जीवन को सुखी शांति बनाए। चलिए बहरहाल बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं आपको गुरुदेव बृहस्पति देव की निशानियां, अच्छे होने की निशानियां, बुरी होने की निशानियां, मंदे होने की निशानियां, उनके उपाय, कैसे उसको आपने ठीक करना है, ये सब आज आपको मैं बताऊंगा। गुरुदेव हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे गुरु, हमारे पंडित, इन्हें भी गुरु कहा जाता है। गुरुदेव हमारी समझदारी है, हमारा ज्ञान है। बृहस्पति देव संयम है, ध्यान है, एकाग्रता है, बड़प्पन है, सिंसेरिटी है ना। हमारी जायदाद, हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज बृहस्पति देव, हमारे चोटी के बाल बृहस्पति देव हैं, हमारे लंग्स, हमारी वायु जो हम ऑक्सीजन लेते हैं बृहस्पति देव। कितनी ज्यादा जरूरी है बृहस्पति देव। हमारी शिक्षा, हमारा ध्यान, हमारा एकाग्रपन, ये सब क्या है? बृहस्पति देव। सोना बृहस्पति देव की मलकियत। इससे आप समझ गए होंगे कि बृहस्पति देव कितने जरूरी है। हमारे अच्छे गुण, हमारी दिमाग की शक्ति, हमारी सहन शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति, हमारे अच्छे गुण, ये सब बृहस्पति देव। अब बृहस्पति देव खराब कैसे होते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि एक इंसान के बृहस्पति देव खराब हैं, मंदे हैं, कैसे पता चलेगा? ऐसे लोग हर किसी के काम में टांग अड़ाते हैं, उनके बनते हुए कामों में टांग अड़ाते हैं, और जैसे कोई तरक्की कर रहा है बहुत ज्यादा भाई, उसको देख देख के जलते रहेंगे, उसे बद्दुआएं देते रहेंगे, उसको परेशान करेंगे, किसी ना किसी तरह से उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। इसमें ऐसे लड़के भी आते हैं जो लव करते हैं, उनका लव नहीं सक्सेसफुल होता, वो उनको धमकी देते हैं, या उनकी कोई, जैसे आप देखते होंगे कई लड़के वीडियो बना लेते हैं, अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि उनका प्यार उन्हें नहीं मिलता है। ये भी एक बृहस्पति, उन लड़कों के भी बृहस्पति बहुत ज्यादा खराब होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं ऐसे लोग, चिड़चिड़ापन बड़ी जल्दी आ जाता है, सहन शक्ति नहीं होती है ऐसे लोगों को। जैसे कुछ चीज हासिल करना चाहते हैं, वो चीज उन्हें नहीं मिलती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अगर किसी से चीज नहीं मिल रही है, उनसे लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी को चीजें मिल रही है उससे जलते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं। इतना खराब हो जाता है सब कुछ जब बृहस्पति देव खराब होते हैं। बाप दादाओं से उनकी बनती नहीं है, पिता से या दादा से उनकी बनती नहीं है, आपस में उनके लड़ाई झगड़े रहते हैं, अपने बाप दादाओं की बात नहीं मानते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल भी बात नहीं मानते हैं ऐसे लोग अपने बाप दादाओं की, साथ में बैठते ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं इनके, साथ में बैठते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। पिता और दादा की बात बिल्कुल नहीं मानते हैं, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलता है ऐसे लोगों को,
क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को समझदार समझते हैं और सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। ऐसे लोगों को अगर समझाया भी जाए, तो ऐसे लोग समझते नहीं है, सामने वाले को बेवकूफ समझते हैं। ऐसे लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं। सहन शक्ति की कमी होती है, बड़े बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हैं, लोगों की इज्जत नहीं करते हैं। कोई उन्हें समझाए भाई ऐसा मत कर, भाई वैसा मत कर, बेवकूफ समझते हैं उसको। और लोगों अपने आप को समझदार तो बहुत ज्यादा समझते हैं, तो लोगों को बेवकूफ बनाते हैं ऐसे लोग। किस्मत इनका साथ नहीं देती है, किस्मत के धनी नहीं होते हैं, इनके काम नहीं बनते हैं। क्योंकि बृहस्पति किस्मत का भी एक, आप कह सकते हैं किस्मत का भी कारक है, तो किस्मत इनका साथ नहीं देती है। पढ़ाई में ऐसे बच्चों का दिमाग ही नहीं लगता, उल्टी सीधी बातों में बड़ी जल्दी दिमाग चला जाएगा, पढ़ाई में दिमाग ही नहीं जाएगा ऐसे लोगों का। पढ़ाई की तरफ बिल्कुल दिमाग नहीं होता, किताब खोल के बैठेंगे ध्यान कहीं और होगा, एकाग्रता नहीं होती इनके अंदर। एकाग्रता भी चाहिए ना, पढ़ाई में क्या चाहिए, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन तो है ही नहीं, सहन शक्ति तो है ही नहीं, बॉडी में एनर्जी तो है ही नहीं, चिड़चिड़ापन भरा हुआ है। फिर किताब खोल के बैठ जाएंगे, चार घंटे दो शब्द पढ़े नहीं, ध्यान इधर कभी उधर, कभी यहां कभी दाएं कभी बाएं, अपने काम में एकाग्रता नहीं होती ऐसे लोगों की, इसलिए कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। शरीर में एनर्जी ही नहीं होती है इनके बिल्कुल भी। एक एनर्जी, एक जोश होता है जीवन में इंसान के कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, भाई कोई एनर्जी ही नहीं, बस लोगों को बेवकूफ बनाना, अपने आप को समझदार समझना, बड़े बुजुर्गों की बात नहीं मानना, तो फिर कैसे जीवन में तरक्की करेगा ऐसा। शरीर के यहाँ चोटी के यहाँ के बीच के बाल, चोटी के बाल जो होते हैं, इन लोगों के जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं। जय श्री राधे। अब जब बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे ऐसे इंसान के, तो समझ लो भैया बृहस्पति देव नेस्तो नाबूत हो गया, नेस्तो नाबूत हो गया। अगर चोटी के बाल इनके झड़ने लग जाएंगे, आपने देखा होगा कि जैसे YouTube चैनल पे भी लोग गलत गलत गालियां लिख देते हैं, कमेंट लिख देते हैं, इनके भी बृहस्पति देव खराब हो गए। क्यों? दूसरों को बेवकूफ बनाना, दूसरों के बारे में भला बुरा कहना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, इनके यही काम है। सहन शक्ति नहीं होती, गाली गलौज पे उतर आते हैं लोग इन्हें, क्योंकि इनमें सबर नहीं होता है। अरे सबर होगा तभी तो इंसान, इंसान क्या आराम से बोलेगा, धैर्य से बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा। सबर बहुत बड़ी चीज है जीवन में, बेसबरे होते हैं, इन्हें सब कुछ एकदम से चाहिए होता है, ना मिले तो ये हड़बड़ा जाते हैं, गाली गलौज पे उतर आते हैं। सबर, ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा शब्द है सबर लाना। सबर बहुत बड़ी चीज है, ऐसे लोगों को आप सुधार, आप समझा, समझेंगे ही नहीं वो, आप उन्हें समझाएंगे वो समझेंगे ही नहीं, कितना भी समझा लो ये सुधरते नहीं है ना, ये समझना चाहते हैं ना समझते हैं ना सुधरते। बड़ी ही विडंबना, धर्मों का मजाक उड़ाते हैं लोग हमारा। जैसे किसी धर्म में भी इंसान पैदा होता है, अपने ही धर्म का मजाक उड़ाने लग जाना, अपने ही धर्म के बारे में भला बुरा कहना, अपने ही धर्म को ठुकरा देना, ये बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति मैंने आपको शुरू में बताया धर्म भी है, हमारा कल्चर है, हमारे रीति रिवाज है, ना ये धर्म मानते हैं, ना अपने रीति रिवाज मानते हैं, ना अपना कल्चर मानते हैं। ऐसे लोग गुरुओं का, पंडितों का, साधु संतों का मजाक उड़ाते हैं, धिक्कार देते हैं, अगर ये घर पे आए तो उनसे बुरा व्यवहार करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, उनका बिल्कुल इज्जत नहीं करते ऐसे लोग। क्यों? बृहस्पति खराब है,
पंडित, साधु संत, गुरु, ये सारे बृहस्पति होते हैं, बड़े बुजुर्ग बृहस्पति। ये इनमें से किसी की इज्जत नहीं करते हैं, अनाप शनाप इनको बोलते हैं, बेमतलब की बातें करते हैं इनके बारे में जो सुनी भी नहीं जा सकती। फिर क्या होता है, फिर शराब प्राप्त करते हैं, बद्दुआ प्राप्त करते हैं, बर्बाद होते हैं। इनको कितना भी समझा लो, इन्होंने नहीं समझना। आप इन्हें समझा समझा के आप थक जाएंगे, लेकिन ये अपने आप को इतना समझदार समझते हैं, ये बात समझेंगे नहीं। ये आप एक तरह से कह सकते हैं चिकने घड़े बन जाते हैं। पानी डालो चिकने घड़े से पानी फिसल जाता है, पानी टिकता ही नहीं है चिकने घड़े पे। आप सुअर को गंदगी से कितना भी बाहर निकाल लो, नहला लो धुला लो, सुअर फिर आपको गंदगी में दिखेगा। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, हो सकता है मेरे शब्द थोड़े से कड़वे हैं, लेकिन आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। जय श्री राम। इन्होंने गंदगी में रहना है तो गंदगी में रहना ही है। अब क्या क्या बीमारियां होती हैं जिनके बृहस्पति देव खराब होते हैं? इनको सांस से संबंधित, लंग से संबंधित दिक्कत परेशानियां आती हैं, लीवर किडनी इंटेस्टाइन से संबंधित परेशानियां आती हैं, डायबिटीज इनको हो जाती है, इनका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, पीलिया भी होता है ऐसे इंसानों को। कैंसर में भी बृहस्पति देव का बहुत बड़ा हाथ होता है। एक राज की बात बता दूं मैं आज आपको, बिल्कुल बृहस्पति देव का बहुत बड़ा हाथ होता है कैंसर में। वैसे शनि कहा जाता है, शनि के कारण से होता है, लेकिन मैं आपको राज की बात बता दूं, बृहस्पति देव भी बहुत बड़े कारण होते हैं। कहीं ना कहीं बृहस्पति देव का भी बहुत बड़ा रोल होता है कैंसर में। तो ये सारी बीमारियां ऐसे लोगों को आती हैं, इनमें तसल्ली नहीं होती, टेम्परमेंट नहीं होता है, हर बड़ाहट बड़ी रहती है इनको हर काम की। और लोगों को परेशान करना, हड़बड़ाहट रहना, भाई बोल दिया कि ये चीज चाहिए, चाहिए 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 चाहिए, एक चीज को बहुत ज्यादा खींच देते हैं ये। मतलब हड़बड़ाहट में सब कुछ हड़बड़ाहट में, तसल्ली से काम है ही नहीं ना, धैर्य है ही नहीं, पेशेंस है ही नहीं। इन लोगों की परेशानियां बहुत लंबे लंबे समय तक चलती है, ये भी बृहस्पति देव की खराबी की निशानी। अब हम क्या क्या काम करें, ऐसे क्या क्या उपाय करें जिससे हमारे बृहस्पति देव अच्छे हों? अपने रीति रिवाजों को, अपने धर्म को, अपने कल्चर को इज्जत देना शुरू करें ये लोग। अपने जो पूजा पाठ हैं, रीति रिवाज हैं, इन सबको ध्यान पूर्वक बिल्कुल इज्जत दे के ध्यान दें। अपने पिता, गुरु, पंडित, साधु संतों की इज्जत करना शुरू करें। केसर वाला दूध पीना शुरू करें, सोना कोशिश करें पहनना शुरू करें। अगर सोना नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप केसर वाला दूध पी सकते हैं, इससे बृहस्पति देव बहुत अच्छे होते हैं। हल्दी की गांठ भी आप गले में पहन सकते हैं, इससे भी बृहस्पति देव बहुत अच्छे होते हैं। सोने का चकोर टुकड़ा भी अगर आप पहने, कुंडे वाला नहीं तो सोने का चकोर टुकड़ा अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू करें, अपनी जेब में रखना शुरू करें, इससे भी बृहस्पति देव बहुत अच्छे हो। और अगर हम देखें, चंद्रमा हर ग्रह की माता है, हर ग्रह चंद्रमा की गोद में जाके शांत होता है, ये लाल किताब के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक सोने का टुकड़ा और एक चांदी का टुकड़ा अगर आप जोड़ लें और वो पहने या जेब में रखें, तो इससे भी बहुत अच्छा होगा। आप मतलब जोड़ना इन द सेंस चिपका के रख दीजिए दोनों को साथ में, और पहनना चाहे दोनों को जुड़वा के तो गले में पहनेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, बृहस्पति देव बहुत बढ़िया होंगे। चंद्र हर ग्रह को पावर देता है, हर ग्रह को ठीक करता है। केसर का तिलक कानों में, जुबान पे और नाभि पे लगाएं। सोने का छल्ला, जैसे मैंने भी पहन रखा, आपने देख रहे होंगे, सोने का
छल्ला अपनी रिंग फिंगर में पहन, आनंद आ जाएगा आपको, आनंद आ जाएगा। तो मैंने आपको ये सारे उपाय बताए हैं, और वह व्यभिचारी तो अवश्य ही छोड़िए, जैसे शराब, मीट, अंडा, मांस, मच्छी, क्योंकि ये राहु और शनि की चीजें हैं, तो इससे व्यभिचारी तो आती ही है ना। विचार तो गर्म हो ही जाएंगे, जब शरीर में इतनी गर्म गर्म चीजें जाएंगी तो मन वैसा हो जाए। तो मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, सेवक यही चाहता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, बेल आइकन जरूर दबाएं, कि सारी इंफॉर्मेशन, सारे उपाय घर बैठे आपको मिलते रहें और आप करते रहें। पत्रिका दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रिका से ज्यादा पता चलता है कि किस वर्ष कौन सा उपाय करना है। नॉर्मल उपाय मैंने आपको दिए हैं, अब आज्ञा ले लेता हूं। राधे राधे।